तो हेलो, कैसे हो सारे? आप सबका स्वागत है हमारे आज के न्यू वीडियो में। बिना कोई टाइम गवाए अपन अपने आज की वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। एंड सबसे पहले हम बात करने वाले वीएलटी सेंटेलन यानी कि अन्ना के बारे में। तो अन्ना कल बहुत दिन बाद लाइव आए थे एंड वहीं पर लोग उनको बोल रहे थे बिंग्स वर्सेस राका का जो मैटर चल रहा है उसके बारे में बात करो, तो इस पर उन्होंने अपना ओपिनियन दिया था। इसी के साथ साथ उन्होंने ये बताया कि अभी क्या उनकी गोल्डी भाई से बात हो रही है या नहीं। एंड इस चीज़ पर रिप्लाई करते उन्होंने जो कुछ कहा वो आप देख लो। बिंग्स एंड राका का सीन क्या करे अभी, मैं तो यहाँ पे हूँ। यू गाइस नो मोर देन व्हाट आई नो, सो VLT will come back or not? No, I don't think it is worth it. It's better to wait till the 4 years are done and directly invest with one of the, international franchise teams. So this Ascension lineup and all, not very comfortable. So Raka ka kya scene hai? Don't know, guys. I've not been following. आप लोगों को ज़्यादा पता है मेरे लिए, मेरे से। We haven't spoke on the group also. Whatever is happening, it let it happen. They're all grown up, matured, and not kids. So it is up to them to solve it. हर बार नो गोल्डी बाय आएगा, सेंटिनल आएगा, अन्ना करेगा, वो करेगा, ये करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। It is up to them to sort it out. So हम कुछ नहीं करने वाले। जॉर्ड गैंग का क्या हुआ? जॉर्ड गैंग का कुछ नहीं हुआ, जॉर्ड गैंग इज स्टिल देयर, बट क्या कर सकते हैं? वी आर गोल्डी बॉय इज बिजी विद ई स्पोर्ट्स एंड ऑल, तो वी आर नॉट। गोल्डी बॉय से बात हो रही है, ऐसा नहीं कि वी आर नॉट टॉकिंग, वी जस्ट स्पोक कपल ऑफ डेज बैक ऑल्सो, but it's different, we are talking about other things in esports sponsorships, jo uska scene hai, so not talked about gaming aisa kuch. This is when during his anniversary, yeah, anniversary ka din mein we spoke, so that's right, yeah. एंड गोल्डी भाई ने भी वेलोसिटी एंड एसेटीओएल का जो बॉन्ड है उसके रिगार्डिंग कुछ मैसेज भेज अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे। इसी के साथ साथ अन्ना के बारे में उन्होंने बात करी थी। सबसे पहले उन्होंने एक स्क्रीनशॉट लगाया था, यहाँ पर मतलब वो कॉल रिकॉर्डिंग बता रहे थे, मतलब 42 मिनट्स उन्होंने बात करी अन्ना के साथ, जैसे वो बता रहे थे। एंड उन्होंने लिखा था एनी डाउट्स ऑफ वी बोथ बींग अफेक्टेड दिस शेल हेल्प, मतलब उन्होंने बताया था कि जिनको भी ऐसा लग रहा है कि इस मैटर से हमको फर्क पड़ा है, मतलब अन्ना को और गोल्डी भाई को, तो ये स्क्रीनशॉट देख लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड उन्होंने आगे लिखा था द फ्रेंडशिप बिटवीन अन्ना एंड मी वेलोसिटी एंड एसेटीएल शेल ऑलवेज रिमेन 10/10। एंड इस चीज़ का अन्ना ने भी रिप्लाई करते हुए लिखा था लव यू गोल्डी भाई, एंड यही पूरा मैटर था। एंड हम सबको पता है कि वेलोसिटी एंड जो एसेटीएल है वो पहले से कितने अच्छे दोस्त थे, मतलब सारे क्रिएटर्स आपस में दोस्त थे, एंड गोल्डी भाई, फाटू, टी बॉन, बिंग से तो सब जॉर्ड गैंग चलती है। एंड आप सबको पता ही होगा, इस पर आपको क्या कहना है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अब वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं, बात करने वाले कुछ IQ के बारे में, जो IQ का टूर्नामेंट चल रहा है उसके बारे में। तो कल बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी साफ साफ। एंड इसको और कैसे कोट करूँ, हाँ मतलब इश्यूज हुए थे बहुत सारे लैंड पे, जो थोड़े देर भी 10-15 मिनट जो लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हुई थी उसके अंदर भी ऑडियो ऐसी आ रही थी, मतलब कि बंद करने का मन कर रहा था, ऐसा लग रहा था कान फट रहे हैं सुन के। तो पर इन सब के बावजूद जो वॉचिंग थी वो तो मतलब नेक्स्ट लेवल थी, मतलब मैचेस शुरू भी नहीं हुए थे लेकिन जो वॉचिंग है वो 130K के ऊपर चल रही थी। एंड मैंने ऑफिशियल मैचेस भी देखे, मैंने स्काई स्पोर्ट्स का लैंड भी देखा था जिसके अंदर सोल और गॉडल साथ में खेल रही थी, लेकिन फिर भी उसमें भी मैच स्टार्ट होने से पहले भी इतनी ज़्यादा वॉचिंग नहीं गई। अब भाई IQ का तो अलग ही हाइप है, इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ। हाँ, इसके आगे मैं क्या ही बोल सकता हूँ। एंड जो फिक्सेस है जब वो लाइव थे तो लोग उनसे भी यही बोल रहे थे, तो उन्होंने इस चीज़ का रिप्लाई करते हुए जो कुछ कहा वो आप देख लो। 133K प्लस 136K प्लस वॉचिंग गया था, क्या लगता है भाई? है ना। अपन अब आगे बात करते हैं ओशन के बारे में। तो ओशन का जो ब्लॉग था उसमें वो बात कर रहे थे कि IQ लैंड में क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या चीज़ें की वजह से हमें डिले देखने को मिला, पोस्टपोन क्यों हुआ है। एंड जॉनी से भी उन्होंने इस बारे में बात करी थी, कैन इस पर उन्होंने जो कुछ कहा वो आप देख लो। कोई अपडेट नहीं आ पाया है क्योंकि प्लेयर्स को थोड़ा सा पिंग इशू हुआ है। अब ये पिंग इशू कब तक सॉल्व होता है, क्या होता है, ऑब्वियसली अगर तो आज हो गया तो मैच होंगे तो मैं ब्लॉग में पता चल जाएगा, अदरवाइज कल के दिन शायद 9 matches एवरी डे हो सकते हैं, 2 दिन के 9-9 matches हो सकते हैं, उस तरीके का स्केड्यूल हो सकता है। सो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि मैचेस हो जाएं प्रॉपरली। सो या, क्या हो रहा है जॉनी, तेरे राज में क्या हो रहा है? क्या गाइस, आप लोगों ने कभी 1000 ping देखी है? मैंने देखी है आज भाई, 1000 ping सर क्यों छोड़ रहे हो ये? ओए क्या चल,
कि ऑब्वियसली आपको पता है ऐसे इश्यूज कभी कभी आ जाते हैं और ऐसे इश्यूज से आप ऐसे इश्यूज को कभी कभी सही नहीं कर पाते हो. सो फिगर आउट अभी भी कर रही है टीम. रात के 12 एक जितना भी बजेगा टीम यहाँ पर रहेगी. दे विल फिगर इट आउट कि क्या हो रहा है क्या नहीं. दे विल ट्राई टू मेक एवरीथिंग राइट जैसे भी हो सके. सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स टुमारो. एंड फिर फिक्सर से लोग बोल रहे थे कि क्या कोई चांसेस है कि मतलब संडे, जैसे कि हमको पता है कि जो लैंड टूर्नामेंट है थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे को होना था, तो फिक्सर्स को लोग बोल रहे थे कि संडे को एक्सटेंड कर सकते हैं क्या. तो इस चीज़ का फिक्सर्स ने रिप्लाई करा था एंड रिप्लाई देते उन्होंने जो कुछ कहा वो आप देख लो. कैन दे एक्सटेंड ऑन संडे? सो अविश भाई बात ऐसी है कि डेट्स मिलते हैं, ठीक है, आपको कोई इवेंट एक्सटेंड करवाओ. पहले तो आपको मेन दो चीज़ें, दो फैक्टर्स रहती हैं. एक है आपको क्राफ्टन से परमिशन लेनी पड़ेगी. क्राफ्टन ने जो डेट्स दिए थे वो थे 22, 23, 24, ठीक है. अब एक्सटेंशन का आप पूछोगे, चलो मान लो कि क्राफ्टन ने डेट दे भी दिया, उसके बाद फिर स्टेडियम में वेन्यू में आपको बातचीत करके एक्सटेंड करवाना पड़ेगा. एंड ये जितना आसान है कहना, एग्जीक्यूशन में उससे 10 गुना मुश्किल है. समझ रहे हो ये बातचीत? तो आई डोंट नो और रादर आई डोंट थिंक कि लैन कभी एक्सटेंड हो पाएगा. आज तक तो कभी हुआ नहीं कि कोई लैन एक्सटेंड हो जाए. बाकी सल्यूशन यही है कि मैचेस बढ़ा दें. आई थिंक जैसे स्काई वाले इवेंट पे भी हुआ था, कितने मैचेस हुए थे दिन के? 7 मैचेस हुए थे ना चैट? 7 मैचेस. हेलो सोमू. हाँ पैसा भी ज़्यादा लगेगा. अरे पैसा छोड़ दो, पैसा तो चलो किसी तरीके से तो लगा ही देंगे, ठीक है. 7 मैचेस हुए थे राइट? तो वही है कि 9 मैचेस होंगे. आर यू मैड? प्लेयर्स मना कर देंगे यार. 9 मैचेस मतलब समझ रहे हो, 9 मैचेस मतलब समझ रहे हो, 9 मैचेस दिन के. एक तो वो 6 आवर वो वाला एक्सीड हो जाएगा एंड प्लेयर्स थक जाएंगे ब्रो. इनफैक्ट इवन फॉर ऑडियंस ऑल्सो 2 स्टार्ट करना पड़ेगा. आई डोंट नो, लाइक 8 मैचेस तक फिर भी मैं स्ट्रेच करके बोल सकता हूँ, बट 9 मैचेस इज टू मच ब्रो, टू मच. आई नो You can't say on this, but not been better than officials. Also, they find instant solution. For example, the handcam POV wala scene. And next, हम बात लेते हैं LOLs के बारे में. तो LOLs जब लाइव आए थे तो बात कर रहे थे कि वो #2iWorldwide मतलब most watched YouTuber की लिस्ट में #2iWorldwide एंड इसके बारे में वो बात कर रहे थे. तो उनका रिप्लाई भी आप देख लो. मजा आ गया टूर्नामेंट देख के भाई. स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखा मैं नॉन स्टॉप. बहुत अच्छा टूर्नामेंट था एंड क्या अच्छी टीम्स के लिए. सारी टीम्स के 69 पॉइंट्स थे. It was fun. सारी टीम्स ने अच्छा खासा कॉम्पिटिशन दिया. I like that. साला 5 से टीवी ऑन करके रखा था. टीवी गर्म हो गया, टूर्नामेंट चालू नहीं हुआ. कोई ना यार अभी देखो मस्ती एक साइड. कुछ ना कुछ इश्यूज हुए रहेंगे इसकी वजह से डिले हुआ है, बट कोई ना, कल होगा, कल देखेंगे. मैं ये बोल रहा था देखो सीन ऐसा है ना कि थिंक इश्यूज की वजह से अगर कैंसिल हो रहा है तो सही है, कैंसिल कर देना चाहिए भाई. सब लोग परेशान होकर खेले, उससे अच्छा तो एक दिन डिले कर दो, बट ये फिक्स करने के बाद कंपटीशन प्रॉपर रहेगा. कमला भाई ने लाइव पे बोला है फोन प्रॉब्लम. भाई मेरे को नहीं पता, आई रियली डोंट नो क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है. सो या यस, ये सारी बातें भूल जाओ. तुम्हारा भाई फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वी आर #2 worldwide मोस्ट वॉच्ड स्ट्रीमर. या रेडेड इट मैन. #1 से थोड़ा सा रह गए. एक बार तो पहुंचूंगा मैं बोल रहा हूँ ये. तुम वर्ड्स मेरे लिख के रख लो, एक बार पहुंचूंगा. एंड अपन अब बात करते हैं मान्या के बारे में. तो जैसा कि हमको पता है कि बहुत सारी एक चीज़ उठी थी कि मतलब डिले इसलिए हो रहा है कि जो मान्या उनका फ़ोन चोरी हो गया है, फिर गुम हो गया है. तो आयोगी जब लाइव आए थे तो उन्होंने इसी चीज़ को क्लैरिफाई करा था एंड क्लैरिफाई करते उन्होंने जो कुछ कहा वो आप देख लो. गाइस सीन ऐसा है कि फ़ोन चोरी कभी हुआ ही नहीं, पहला चोरी नहीं, गुम या चोरी कभी नहीं हुआ. जो लाइक बोल रहे हैं, मेरे को अभी एक का कॉल आता है, मेरे को बोलते हैं एक, मेरे को अभी कॉल आया जस्ट, मैंने सोचा लाइव ही कर लेता हूँ, सबको भी क्लियर हो जाएगा. मेरे को कॉल आता है अयोगी तूने ना फ़ोन चोरी कर दिया. मतलब क्या चोरी हो गया तेरे वहाँ से फ़ोन, या तूने घुमा दिया फ़ोन, ऐसे मेरे को बोला. मैं ये क्या हो गया, ये कब हो गया, ये कैसे? ये देखो ये है मेरा मैनेजर. वाह ये बंदा है मेरा लैन का मैनेजर. तो मेरा सारा डिवाइस और लाइक
ईयरफोन वगैरह जो भी रहता है मैं इस मेरे मैनेजर भाई को देता हूँ, ठीक है। तो मैं खेलने बैठा, अब बैठने के बाद मैं पूछता हूँ, भाई मेरा फ़ोन कहाँ है, मुझे खेलना है। तो ये बंदा बोलता है आयोगी भाई के पास है। तो मैंने बोला ठीक है आयोगी भाई को मैं कॉल करता हूँ। आयोगी भाई बोलते जोकर के पास है। ये दोनों आपस में लड़े आ रहे हैं कि भाई मैंने तुमको दिया था, तुमने मेरे बैग से लिया था। और फिर ये बोलते मैंने तेरा डिवाइस लिया था, मैंने उसका डिवाइस ही नहीं लिया था। तो ये सारी बकचोदी तो चल रही है, इवन डिवाइस बैग पे पड़ा है। और उस बैग को कितने बंदों ने चेक किया था? माई भाई अक्की दो तीन बंदों ने चेक किया था। एक बैग में सारे डिवाइस निकल चुके हैं, एक ही डिवाइस है, मतलब एक ही डिवाइस एक बैग के अंदर है। तीन चार बंदे वो बैग चेक कर रहे हैं और फिर भी इनको नहीं मिल रहा है। तो सोचो कितने गवा रहे ये लोग, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत लोग बोल रहे थे कि मान्या का जो फ़ोन है वो चोरी हो गया है। एंड इसी के रिगार्डिंग जो एंटिटी उन्होंने बहुत बड़ा ट्रोल करा था रेवेनेंट के ऊपर, जैसे कि हमको पता है कि बहुत सारे मतलब ऐसे स्पैम चलता है पीसी चोर करके जो कि आरएनटी पे लगता है। एंड इसी के रिगार्डिंग जो एंटिटी उनका ट्रोल था जिस पर उन्होंने लिखा था लाइव अपडेट फ्रॉम लैन फैंस आर आस्किंग टू चेक @रेवेनेंट इंडिया फॉर द फोन इफ़ यू नो यू नो। एंड यही उनका ट्रोल था रेवेनेंट के ऊपर। एंड इस पर आपको क्या कहना है आप कमेंट करके जरूर बताना। एंड बस अपनी आज की वीडियो कर लेते हैं पर खत्म एंड 39,000 सब्सक्राइबर्स के लिए मेरे कुछ 300 सब्सक्राइबर्स बाकी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।